बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे। इस फिल्म में हम लोग आप लोगों से नम्स के एमडीकेट के हवाले से शेयर करेंगे। आपको पता चले कि एक एग्जाम जो होता है वो पीएमडी से कंडक्ट करवा रहा होता है, एक जो होता है एमडीकेट वो नम्स कंडक्ट करवा रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा आ खान का टेस्ट जो है वो भी अलग से होता है। तो अगर हम लोग आपसे शेयर करें नम्स एमडीकेट की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर मेडिकल कॉलेज के लिए टेस्ट होता है, और ये तमाम नम्स के और आर्मी मेडिकल कॉलेज जो के होते हैं उनके उनके लिए ये कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। और ये उसके लिए मैंडेटरी होता है, ठीक है। पीएमडीसी की जानिब से अभी तक एमडी कैट के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आ रही। ऑल्दो लास्ट ईयर भी जो है वो जून तक जो है वो अनाउंस हो चुका होता है, मई तक कंफर्म हो चुका होता है, और जून में तो रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हुई होती है। अभी तक पीएमडीसी की जानिब से काफ़ी डिले किया जा रहा है, इनके बाकी नोटिफिकेशन शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन एमडी कैट के हवाले से जो कि सबसे बड़ा एग्जाम होता है पाकिस्तान के अंदर, 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट प्रेयर होते हैं, उसके हवाले से ना ही कोई सिलेबस अनाउंस किया गया है, ना ही इनका कोई स्केड्यूल शेयर किया गया, जबकि ये कहा जा रहा है कि अगस्त या सेप्टेम्बर में टेस्ट होगा, और अभी तक स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं पता एमडी कैट के हवाले से, ठीक है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो एमडी कैट के जो डिले के चांसेस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नम्स के एमडी कैट के हवाले से पता चले तो इसमें भी तकरीबन आप लोगों को पता चले कि काफी ज्यादा स्टूडेंट जो है 80,000 या 70,000 स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, और इसके अंदर आप लोगों को पता चले कि इसमें मल्टीपल मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट डेंटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, डेंटल कॉलेजेस है, और आर्मी मेडिकल कॉलेज है, इनके एडमिशन के लिए नम्स का एग्जाम जो है मैंडेटरी होता है। और इसमें जो कंप्लीट हमने एक वीडियो बनाई हुई है, एक प्रॉपर ब्लॉग भी लिखा हुआ है, जिसमें आपको जो है एमडी कैट और नम्स के जो मेजर डिफरेंसेस है, ठीक है, वो भी आप लोगों को हमारी वेबसाइट parklearningsport.com की वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी, ठीक है। उससे पहले आपसे शेयर करें, अगर आप लोगों ने अभी तक एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे, तो आप लोग मकसद ऐप को लाजमी ज्वाइन कर ले। मकसद ऐप का एमडी कैट का क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट हुआ हुआ है उसको ज्वाइन कर ले, और नम्स का भी वो कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है, उसको भी आप लोग लाजमी ज्वाइन कर ले। तो आपको 40% डिस्काउंट भी मिल रहा है अभी पीएलएस कोड लगाने पे, और साथ के साथ आपको पीएलएस बूस्ट का जो कंप्लीट बंडल है जो कि अलग से जो आप लोगों को परचेज करना वो भी नहीं होगा, ठीक है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर आप लोग मकसद ऐप को पीएलएस कोड लगा के आप लोग बाय करते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये पास पेपर्स, मॉक टेस्ट और ये काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो आप लोगों को हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो ये भी आपको अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा। आपको कंप्लीट एमडी कैट का जो एमसीक्यूज बंडल है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर आप लोग मकसद ऐप को ज्वाइन कर ले हमारे प्रोमो कोड से पीएलएस लगा के। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, आपको जो है डाउट सॉल्वर मिलेगा, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको इनका भी जो अपना एमसीक्यूज बैंक है जिसमें सॉल्यूशन वाइज होते हैं, सॉल्यूशन भी होता है हर एमसीक्यू का, वो भी मिलेगा। इसके अलावा इनके ग्रैंड टेस्ट है, पास पेपर्स है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो अच्छा पैकेज है आप लोग इसको ज्वाइन करें, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगा, और ये टिल एमडी कैट होगा। बाकी अकेडमीज आपको 2-3 महीने बाद आपको जो है वो बाकी नहीं पढ़ाती, क्योंकि एमडी कैट का टेस्ट है ये डिले भी होता है, ये अक्टूबर तक भी जा सकते हैं, नवंबर में भी लास्ट टाइम हुआ था, तो इसलिए आप लोग जो है मकसद ऐप को ज्वाइन कर ले ताकि आपको ये ना टेंशन हो कि अगर एमडी कैट कोई डिले होता है तो आपका जो सेशन खत्म हो जाएगा अकेडमीज का। तो एमडी कैट का जो मकसद कोर्स है वो चाहे टेस्ट जब भी हो वो आपको टेल एमडी कैट टेस्ट डेट तक आपको प्रिपरेशन कराएंगे, तो आप लोग लाजमी जो है मकसद ऐप को ज्वाइन कर ले, काफ़ी रिजनेबल प्राइस के ऊपर है, और आपको कहीं और से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग मकसद ऐप को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर पता चले कि जो एमडी कैट का जो नम्स का टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें कंप्लीट एक इनका जो लास्ट ईयर फॉलो किया गया था सिलेबस वगैरह, ठीक है, वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल, आप लोग यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि वही सेम ही रहेगा। बाकी जो इनका लास्ट टाइम जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी वो 3 जुलाई से स्टार्ट हुई थी, आप लोग ये देख सकते हैं, और अभी तक जो है वो कोई भी चांस नज़र नहीं आ रहा है कि जब तक पीएमडीसी अनाउंस नहीं करेगी नम्स अनाउंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पीएमडीसी का वेट किया जा रहा है कि पीएमडीसी कोई भी स्केड्यूल शेयर करेगी, उसके बाद ही नम्स जो है वो अपना स्केड्यूल शेयर करेगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मल्टीपल कॉलेजेस है, सीएमएच के कॉलेजेस है, इनमें एडमिशन के लिए आपको एमडी कैट की रिक्वायरमेंट नहीं होती बल्कि नम्स एमडी कैट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो इनकी रजिस्ट्रेशन है वो लास्ट टाइम 3 जुलाई से स्टार्ट हुई थी, लास्ट डेट जो है 24 जुलाई तक हुआ था, और टेस्ट जो है इनका 3 सितंबर को कंडक्ट हुआ था, ठीक है। लास्ट टाइम की जो फीस है वो 5,000 के करीब थी, ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं कि लेट फीस 5,000 थी और वैसे जो है वो 4,200 थी, ठीक है। और इनका इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो टेस्ट सेंटर्स होते हैं, ठीक है, थीके? और इसमें जो है वो कंप्लीट फर्दर आपको जो एलिजिबिलिटी होती है वो आप लोगों के एफएससी में भी जो है 60% प्री मेडिकल में मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि जो इनके टेस्ट सेंटर्स से लास्ट टाइम वो क्या कौन कौन से है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग जो है इनका जो टेस्ट होता है वो पार्ट ए और पार्ट बी दो में मुश्तमिल होता है। लास्ट टाइम जो है वो इनका पार्ट ए 95% पे था और 5% जो है इनके साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, इसको पास करना भी लाजमी होता है, और इसमें जो है 5% वेटेज जो होते हैं वो आपके साइकोलॉजिकल एमसीक्यूज भी आते हैं, ठीक है।
अब इसमें आपको पता चलेगा जो बायोलॉजी है वो 35% होता है, केमिस्ट्री 25, फिजिक्स 25 और इंग्लिश 10% होता है, और 150 एमसीक्यूज जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट के होते हैं, और बाकी जो 100 एमसीक्यूज होते हैं जिसको आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं, ठीक है, उसमें आपको जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और उसमें 5% वेटेज जो है वो काउंट की जाती है, ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती, और बाकी सिलेबस वगैरह और इनका कंप्लीट जो स्केड्यूल होगा जो इस दफ़ा का शेयर किया जाएगा 2024 का, वो भी हम लोग आपसे शेयर कर देंगे, लेकिन डेफिनेटली पीएमडीसी का ही वेट किया जा रहा है, और पीएमडीसी जैसे ही अनाउंस करती है तो नम्स भी 1 वीक के अंदर अंदर अपना स्केड्यूल शेयर कर देगा, ठीक है, फर्दर जो भी अपडेट्स आती है हम लोग आपसे शेयर करेंगे, और आप लोग प्रिपरेशन लाजमी ज्वाइन स्टार्ट कर दें, आप लोग ये वेट ना करें कि सिलेबस कब अनाउंस होगा, स्केड्यूल कब होगा, आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है अगस्त के मिड ऑफ अगस्त तक आप लोग कोशिश करें कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, बाकी आप लोग मकसद ऐप को ज्वाइन करेंगे तो आपको मकसद ऐप साथ के साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी देगा, आपको प्रिपरेशन भी कराएगा, तो लाजमी आप लोग मकसद ऐप को ज्वाइन करें, और हमारा प्रोमो कोड PLS लगाना ना भूलेगा, ठीक है, फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मजीद इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे, थैंक सो मच, अल्लाह हाफिज़।